हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स प्ले विद स्टॉक मार्केट। आज हम बात करने वाले हैं फार्मा सेक्टर के एक बढ़िया कंपनी के बारे में, जिसके ऊपर आज बढ़िया सी न्यूज़ आती हुई दिखाई दे रही है और उसी के चलते आज स्टॉक में भी ज़्यादा तेज़ी दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, मैं न्यूज़ के ऊपर लेके चलूँगा हाल फिलहाल में कैसे रिटर्न दिए हैं, क्योंकि उसने 3 महीने में पैसे को डबल कर दिया है। वो उसका भी मैं आपको दिखाऊँगा कि हाल फिलहाल में रिटर्न की सिचुएशन कैसी रही है, और चार्ट पे जाके एनालिसिस भी करूँगा और न्यूज़ का भी एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहे। दोस्तों, मैं वीडियो में जो लेवल टारगेट बताया तो आप उसको वॉच आउट कर सकते हैं। मैंने देखो यहाँ पे मैंने PSU बैंक का भी कल किया था, बताया था, ये बजाज फाइनेंस का भी करके दिखाया था, तो आप इसके ऊपर ध्यान रख सकते हैं। दोस्तों, महिंद्रा में मैंने जो तेज़ी थी उसके ऊपर भी वीडियो बना के दिया था कि तेज़ी में हाथ डालने की ज़रूरत नहीं है, इसमें गिरावट आ सकती है। तो इसमें उसके दूसरे ही दिन गिरावट आई थी दोस्तों, आप डेट और तारीख चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो मेरा कहने का मतलब है कि वीडियो आप देखें और उसमें कुछ सीखने की कोशिश करें, मैं जो लेवल और टारगेट कैसे एनालिसिस करता हूँ, और फिर आप वॉचेज में लगा के आप खुद के भी एनालिसिस करिए। ओनली वीडियो देख के खरीदारी करने के लिए मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों। तो हम एक बार न्यूज़ पे जाएंगे दोस्तों, और न्यूज़ क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मैं आपको मनी कंट्रोल पे लेके आया हूँ। मैं बात कर रहा था अरोबिंदो फार्मा की। जी हाँ, अरोबिंदो फार्मा कंपनी की मैं बात कर रहा था। आज उसने 52 वीक हाई लगाया है दोस्तों। हाई के पीछे की न्यूज़ ये चल रही है दोस्तों कि USFDA ने वो जो ब्लड प्रेशर की दवाई बना रहा था, ड्रग बना रहा था, उसके लिए उसको नोट दे दी है, मतलब कि हाँ मंजूरी दे दी है। तो इसी के चलते स्टॉक में भारी तेज़ी दिखाई दे रही है, क्योंकि दवाई बनाने के लिए मंजूरी मिल गई है तो कंपनी दवाई प्रोड्यूस करेगी और बेचेगी, तो उसको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट जनरेट होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा और कंपनी को मुनाफा भी होगा। तो इसी के चलते बढ़िया तेज़ी दिखाई दे रही है दोस्तों। जैसे कि मैंने बताया कि लास्ट 3 महीने में ऑलमोस्ट पैसे को डबल किया है, 86% के रिटर्न दिए है, और आज उसने नया 52 वीक हाई लगाया है। तो पूरी न्यूज़ पढ़ते हैं दोस्तों। अरोबिंदो फार्मा शेयर प्राइस गेन ओवर 3% इन मॉर्निंग ट्रेड ऑन July 9 आफ्टर US ड्रग रेगुलेटर गेव इट्स नोट टू द कंपनी ब्लड प्रेशर ड्रग वेरानामिल हाइड्रोक्लोराइड। ये दवा का नाम है दोस्तों, उसके लिए वो बनाने के लिए उसको मंजूरी दे दी है US रेगुलेटरी ने। तो स्टॉक विच हैज सर्ज 86% इन पास्ट 3 मंथ वॉज ट्रेडिंग एट 817 अप 15.55 पैसे, 1.95% एट 9:48 आवर्स, मतलब कि 10 बजे के आसपास वो 52 वीक हाई उसने बनाया है आज। आगे बढ़े तो दोस्तों, मनी कंट्रोल वाले ये बता रहे हैं कि ये फार्मा सेक्टर की कंपनी लो डेफ कंपनी है, और FPI और FII ने अपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न में, मतलब कि अपनी होल्डिंग बढ़ाई है दोस्तों, और लास्ट 4 साल से वो कंटिन्यू रेवेन्यू में ग्रोथ कर रहे हैं। तो दोस्तों, बढ़िया शेयर है अरोबिंदो फार्मा, अपने आप में बढ़िया कंपनी है दोस्तों, आपको इसको वॉच करना चाहिए। तो मैं आपको एक बार चार्ट पे लेके चलूँगा और चार्ट पे क्या सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है वो मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, मैं आपको चार्ट पे लेके आया हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, 23 मार्च की बात करें तो 228 रुपये का लो बना रहा था, जब कोरोना के चलते पूरे बाजार में भयंकर गिरावट थी। उसके बाद उस रॉकेट की तरह दोस्तों उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हाल फिलहाल में कंसोलिडेशन मोड में मुझे दिखाई दे रहा है। आज थोड़ी बहुत तेज़ी थी और अभी थोड़ी तेज़ी फिजल आउट हो चुकी है। आज उसने हाई बना लिया था, एक बार मुझे चेक करना दीजिए दोस्तों। हाई बनाया था 821.80 रुपये का और लो बनाया था 801 रुपये का, तो लो के आसपास ट्रेड कर रहा है दोस्तों। अब आगे बात करें तो दोस्तों, इस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल 830 से 840 के बीच है। आज भी उसने उसके आसपास जाने की कोशिश की थी और फिर से उसमें थोड़ी बहुत गिरावट आई है। सपोर्ट की बात करें तो दोस्तों, 765 रुपये के ऊपर अच्छा खासा सपोर्ट है, और नीचे के लेवल में 730 रुपये के ऊपर भी अच्छा खासा सपोर्ट है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 830 और 840 के लेवल में वो काफ़ी बार जाके आया है दोस्तों। यहाँ पे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार और आज 5वीं बार भी गया था। तो न्यूज़ भी अच्छी आ रही है, तो ज़्यादा चांस ये है दोस्तों कि ये ब्रेकआउट दे सकता है दोस्तों। काफ़ी दिनों से ये इसी रेंज के आसपास ट्रेड कर रहा है, अगर ये ब्रेकआउट देता है तो फिर दोस्तों आप इसमें पोजिशन बना सकते हैं। 840 के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं। और आपको मैं थोड़ा पीछे लेके जाना चाहूँगा कि टारगेट आप क्या रख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे टारगेट मुझे ए लेवल का 900 रुपये के आसपास जो है वो दिखाई दे रहा है। तो 840 के ऊपर एक क्लोजिंग देता है तो दोस्तों इसमें फ्रेश पोजीशन बनाएगा पोजिशनल ट्रेड के लिए, और 900 रुपये तक का आप टारगेट ले सकते हो। और नीचे स्टॉप लॉस मैंने जैसे बताया 765 रुपये के आसपास आ रहा है, और ये ब्रेकआउट देता है तो फिर स्टॉप लॉस आपका 830 से 840 के बीच में रहना चाहिए। तो दोस्तों, बढ़िया सिचुएशन दिखाई दे रही है ब्रेकआउट की यहाँ पे चार्ट पे भी। तो एक बार हम NSE की वेबसाइट पे जाके कारोबार की डिटेल जानने की कोशिश करेंगे।
तो दोस्तों एनएससी की वेबसाइट पे लेके आया हूँ। यहाँ पे मैंने अरविंदो फार्मा सर्च करके रखा है ऑलरेडी। आज आप देख सकते हैं 4 रुपये ऊपर लगभग 0.5% की तेजी थी। हालांकि आए उसने 822 रुपये का बनाया, तो सुबह सुबह उसमें ज़्यादा तेज़ी थी दिन खुलते ही, क्योंकि न्यूज़ सुबह आई थी तो उसी के चलते इसमें ज़्यादा तेज़ी दिखाई दी थी। 822 का आई बना रहा था तब उसमें 3% के आसपास तेज़ी थी। क्वान्टिटी ट्रेड हो चुके हैं दोस्तों इसमें 34 लाख 33 हज़ार शेयर की, जिसमें से 8 लाख 50 हज़ार शेयर की डिलीवरी हुई है, लगभग 25% की डिलीवरी है। हालांकि अभी मार्केट में 1:30 बजा है, 1:30 बजे के आसपास मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो दिन खत्म होते होते ट्रेडिंग और डिलीवरी में थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, तो ठीक ठाक डिलीवरी है दोस्तों अभी तक। और इसको आप वॉच लिस्ट में लगाइए दोस्तों, और अगर ये ब्रेकआउट देता है 840 के ऊपर तो इसमें स्विंग ट्रेडिंग के लिए बढ़िया मौका मुझे लगता है अवेलेबल होगा। 900 रुपये का टारगेट, 60 पॉइंट का आपको गेन मिल सकता है अगर ये 840 के ऊपर क्लोजिंग देता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हो तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।